इस वीडियो में आप लोगों को पहचान पत्र अप्लाई करके दिखाएंगे जो आपका जो पहचान पत्र होता है वोटर कार्ड आईडी होता है वो अप्लाई करके दिखाएंगे क्या होता है आपका या आपके परिवार में किसी का बनना है या आपको किसी का अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करोगे 2022 में आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं तो आप दूसरे का भी बना सकते हो आपके कोई परिवार का कोई सदस्य उसका भी बना सकते हो आपके पास अगर लैपटॉप या मोबाइल है तो पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप सीख पाओगे तभी आप बना पाओगे तो 2022 में कैसे बनाते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आप क्या कर रहे हैं अब आपको यहां पर अपने क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर किसी में आ जाना है और आपको टाइप करना है nbs nbsp.in टाइप करना है तो आप इसको साइड को यहां पर देख लें एन बी एस पी डॉट इन आपको टाइप कर देना है और आपको यहाँ पर सर्च वाले इंटर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर आओगे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यहाँ से जो है आप अपने डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यहाँ पर न्यू आ न्यू एज ए न्यू इलेक्ट्रोल वोटर और यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर पाओगे जब आप अपना अप्लाई कर अप लोगे जो है वोटर कार्ड अप्लाई करने के बाद यहीं से आप इस्टेटस चेक करोगे उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपका रजिस्ट्रेशन का मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करोगे जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर लॉगिन वाले पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डोंट हैव अकाउंट रजिस्ट्रेशन एज ए न्यू यूजर तो आप न्यू यूजर होंगे नया नया बना रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं आपको इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ आप पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेना जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको जो है ये वाला कैप्चा है ये इस बॉक्स में आपको भर देना है ये बॉक्स दिखाई दे रहा उसके बाद ओ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सेंड ओ जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा ओ जाने के बाद आपको क्या करना है ओ जाने के बाद वेरीफाई का ऑप्शन एक यहाँ पर बॉक्स बन के आ जाएगा वेरीफाई का इस पर आप वेरीफाई करेंगे और सक्सेसफुल वेरीफाई यहाँ पर लिख के आ जाएगा उसके बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई रहा दिखाई दे रहा आई डोंट हैव ईपिक नंबर तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अपना नाम यहाँ पर डालना है जैसे ही आप क्लिक करोगे डोंट हैव ईपिक नंबर तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पर लास्ट नेम डालना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड डाल लेना जैसे कि मान लो आपका नाम जैसे कि मान लो आपका नाम विवेक है तो आपको एक क्या करना है यहाँ पर कैपिटल बी बना लेना है और आपका जो भी नाम है उसके आगे आपको चार पांच जो भी अंक जैसे कमले से उसके बाद आपको एट द रेड ऐसे लगा देना है बना के उसके बाद अंक डाल देना फिर आपका पासवर्ड बन जाएगा अब आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप सारी डिटेल भर लोगे उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपके पास एक लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देना है ऊपर यूजर नेम जहाँ पर लिखा और नीचे आपको पासवर्ड अपना डाल देना जो भी आपने बनाया था वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय और यहाँ पर ये यह आपको कैप्चा दिया है उसके बाद ये भर लेना है यहाँ पर भरने के बाद जो है आपको दोबारा लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल भर ली है अब यहाँ पर लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ आपको भी क्लिक करना इसी तरह से है अब आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा जैसे ही आप लॉग वाले क्लिक करोगे अब यहाँ पर फ्रेश इंक्लूजन इन रोलमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पर लिखा है आई री रिसाइड इन इंडिया रेसिडेंट इन इंडिया तो आपको यहाँ पर कर देना है इंडिया आई रिसाइड इन इंडिया इस पर क्लिक कर देना है सिटीजन वाले के नीचे इस पर टिक मार देना है उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है किस राज्य से आप आते हो आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य से हो तो आप अपना बनवा बना, बना सकते हो तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि आप जिस भी राज्य से हो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपकी जो भी आप यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कितने स्टेप पूरे करने पड़ेंगे तब आपको यहाँ पर पहले में एड्रेस दूसरे में डेट ऑफ बर्थ तीसरे में पर्सनल डिटेल चौथे में एडिशनल और छठे में डिक्लेरेशन सातवें में, में प्रव्यू उसके बाद आपका जो है वोटर कार्ड बन पाएगा तब आपको क्या करना है जो भी आपकी विधानसभा है असेंबली कॉन्टीटेंसी तो भी जो भी विधानसभा है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से इस पर आके तो मैं फ़िलहाल सर्च कर लेता हूँ जो भी मेरी विधानसभा है तो मैं अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भर लेना जो आपका राज्य ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको जो है यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट भर लेना है यहाँ पर अपनी डिटेल भर लेनी है जैसे कि यहाँ पर मैं मकान नंबर डाल रहा हूँ जैसे ही मैंने मकान नंबर इसमें डाला और बगल में जैसे ही क्लिक करूंगा इस वाले खाली वाले कोठे में तो इस तरह से डिटेल भर के आ जाएगी यहाँ पर आपना जो भी डिटेल भरोगे जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर भर देता हूँ जैसे ही मैंने ये डिटेल भरी यहाँ पर जैसे ही मैंने ये डिटेल भरूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर जो है हिंदी में लिख के आ जाएगा जैसे ही इसमें कोठे खाली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है जो है हिंदी में लिख के तो इस तरह से आपको अपनी डिटेल भर लेनी है हम यहाँ पर सारी डिटेल अपनी भर लेना भर लेता हूँ और यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ में जो भी ये डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो देख सकते हो यहाँ पर ए, जो है इंडियन पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है और उसके बाद टेलीफोन बिल है अदर में आपके पास आधार कार्ड वगैरह पासबुक भी लगा सकते हो अगर एक साल पुरानी है आप जो भी डॉक्यूमेंट हो, हो वो इनमें से लगा सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ भर के यहाँ से और आपको क्या करना है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना ई नंबर नहीं है तो तो मैं भर लेता हूं अपनी हमने अपनी डिटेल सारी भर ली है इसको हाइड कर दिया है हमने अपनी सिक्योरिटी की पर्पज से अब यहां पर हम अपना फोटो अपलोड कर लेते हैं आपको बता दें कि जो भी आप फाइल यहाँ पर अपलोड करोगे वो जे में होने चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम दो एम से वो आपका जो भी फ़ोटो है जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उससे ऊपर नहीं होना चाहिए यहाँ से आप नई फाइल चूज कर लेंगे फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने सारी फ़ाइल खुल के आ जाएंगी जो भी आपके कंप्यूटर में होंगी या मोबाइल में होंगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी आपको उस फोल्डर से निकाल के अपलोड कर देना है अपनी डिटेल भरने के बाद हमने यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर दिया अपना तो यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आप, आप हटा के दूसरा भी अपलोड कर सकते हो अगर गलती हो गई उसके बाद ई नंबर है नहीं तो उसको छोड़ देंगे उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा पहला स्टेज कंप्लीट हो गया दूसरे में डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपना विलेज स्टेट डिस्ट्रिक्ट उसके बाद दोबारा एज प्रूफ आपको अपलोड करना है कोई एज प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा सकते हो पैन कार्ड लगा सकते हो पासपोर्ट लगा सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट कक्षा आठ की पाँच की मार्कशीट भी लगा सकते हो आधार कार्ड भी लगा सकते हो और जो भी दो एम से ऊपर नहीं होना चाहिए तो मैं फिलहाल भर लेता हूँ अपनी डिटेल आप लोगों को बता दें अगर जिसका भी यहाँ पहचान पत्र ये बना रहे हैं वोटर कार्ड आई डी अगर उसकी उम्र 21 साल से ऊपर है तब यहाँ पर आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है डाउनलेज एज डिक्लेरेशन फॉर्म ये डाउनलोड करके इसमें आपको डिटेल भरनी पड़ती है क्या क्या भरना पड़ता है वो आपको हम बता देते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है अपना एज प्रूफ और एज डिकलेशन फार्म खुद से भर के ये यह यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है नीचे ये ऑप्शन आ गया सबसे पहले जब आपको हमने ये ओपन किया था तो ये ऑप्शन नहीं था जैसे आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरोगे अगर 21 साल से ज़्यादा होगी तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा इसमें ज़्यादा कुछ भरने को नहीं होता है आपको अपना नाम पता भरना होता है आप लोगों को हम डाउनलोड करके दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो ये पी इधर साइड में डाउनलोड हो गई है तो कुछ इस तरह का ये डिक्लेरेशन फार्म डाउनलोड होता है अगर आपकी इक्कीस साल से उम्र ज़्यादा है तो इसको डाउनलोड करके जो है आपको अपलोड कर देना नाम पता भर देना है यहाँ पर नाम आपको भरना है यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर जो भी आपकी वाइफ है सन है लड़का है उसका नाम डालना है पिता है ये उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्या करना है यहाँ पर अपना नाम डालना जो भी आपका नाम है उसके बाद आपका जो भी लड़का वाइफ है उसका नाम डाल लेना या पिता है उसके बाद यहाँ पर जो लिखा आर इसमें आपको अपना एड्रेस भर देना है पूरा उसके बाद आपकी जो भी विधानसभा है वो यहाँ पर आपको भर देना है उसके बाद आप ये यह प्लेस यहाँ पर जहाँ से आप फार्म भर रहे हो ये अप्लाई कर रहे हो वोटर कार्ड उसका आपको पता भर देना है डेट भर देना किस दिन भर रहे हो उसके बाद यहाँ पर जो है जो भी जिसका ये बन रहा है अप्लीकेंट उसका यहाँ पर साइन कर देना है और इसी को अपलो कर देना है आपको दोबारा अब हमारी सारी डिटेल भर गई है पर पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं अब आपके सामने तीसरा स्टेप आ जाएगा तो इस तरह का आपके सामने तीसरा स्टेप के आएगा इसमें भी आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होता है यहाँ पर अपना नाम भरना होता है यहां पर जो है आपको दोबारा जो है सरनेम भरना होता है उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेट जेंडर मेल है फीमेल है उसके बाद जो है यहाँ पर मदर या हस्बैंड का यहाँ पर जो है वो भरना पड़ता है अपना टाइप रिलेशन कैसा है तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा तो मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर यहाँ पर नाम डालोगे और साइड में क्लिक करोगे उसके बाद ऑटोमेटिक नाम हिंदी में आ जाएगा अगर आपका नाम हिंदी में गलत आ रहा है जैसे कि कुछ अटपटा नाम है तो यहाँ पर एक आपको ये फोंड दिया है तो यहाँ पर इससे आप अपना नाम डाल सकते हो अगर इससे भी नहीं डाल पा रहे हो तो आप गूगल से सर्च करके यहाँ पर कापी पेस्ट कर सकते हो उसके बाद आपका नाम सही हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी मेल जो भी हो या फीमेल हो वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर अगर सरनेम आपका कोई दूसरा लगाते हो जैसे कि राय बहादुर सिंह के अलावा कुछ और लगाते हो तो वो नीचे यहाँ पर लगा सकते हो उसके बाद आपका जो भी आप बना रहे हो रिलेशन किया फादर अपने पिताजी का नाम या माता का नाम भरना चाहते हो वो भर सकते हो उसके बाद यहाँ पर पिताजी का कोई सरनाम है तो यहाँ पर लगा सकते हो यहाँ पर भी ये टूल दे रखा है अगर नाम गलत हो रहा है तो यहाँ से आप भर सकते हो अगर सही नहीं आ रहा है इंग्लिश में जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखोगे साइड में खाली बुक्स में क्लिक करोगे तो हिंदी में आ जाएगा उसके बाद यहाँ से अपना फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है और दोबारा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर देना है तो मैं फ़िलहाल कर देता हूँ जैसे ही फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपको यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक कर लेना है जैसे ही फ़ोटो पर क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है इसको फ़ोटो का साइज़ आपको सेट कर लेना है यहाँ पर इस इस तरह से जितना भी आपको फ़ोटो सही लगे उतना सिलेक्ट कर लेना फ़ोटो जो है थोड़ा दूर का खिंचा हुआ होना चाहिए उसके बाद गेट प्रिव्यू पर क्लिक करना है तो इस तरह से फ़ोटो आ जाएगा तब हम आपको दूसरा फो ये फ़ोटो हटा आप हटा आप, आप, के दूसरा भी लगा सकते हो क्लोज करके यहाँ से तो मैं रीसेट कर देता हूँ और दूसरा फ़ोटो जो है लगा दूँगा जैसे ही सिलेक्ट करोगे फ़ोटो तो इस तरह से आपका फ़ोटो दिखाई दिया दिखाई देगा और आपको सेव करना रहेगा पहले सेव कर लेंगे वहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट करना है वहाँ आपको अब यहाँ पर यहाँ पर लिखा है प्ले चूज इफ़ यू आर डिफरेंटली अवेड मतलब आप अगर टूटे फूटे लिंगड़े हो आपका कोई शरीर का अंग बेकार है डिसेबिलिटी या अदर कुछ भी हो तो यहाँ पर भर सकते हो अपना मोबाइल नंबर भर सकते हो अगर आप ठीक ठाक हो आप कुछ भी नहीं हो तो इसको छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं इससे तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कोई दिक्कत है या टूटा फूटा है या कुछ भी प्रॉब्लम है शरीर से या है तो आप यहाँ पर भर सकते हो उसका देख के हो बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास ये कस्टमर है इसका कुछ भी नहीं है अब हमारा स्टेप जो छठा है यहाँ पर देख सकते हो छठे स्टेप में हम ये चार स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं पांचवा छठा स्टेज है डिक्लेरेशन आप जहाँ से ये फार्म भर रहे हो यहाँ पर डेट भी देख सकते हो डेट लिख के आएगी जिस दिन अप्लाई कर रहे हो आप और यहाँ पर अपना पता भर दें तो जो भी आपका पता जहाँ से भर रहे अप्लाई कर रहे वो आप यहाँ पर भर दें आप आपको अपने गाँव कस्बे का नाम डाल लेना है उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना हमने अपने नाम डाल दिया है अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर इस तरह का आपके पास फॉर्म आएगा आपको इसको प्रिंट कर लेना है और नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा आपकी सारी डिटेल होगी और यहाँ पर आपका अप्लीकेंट का नाम स्थान होगा और यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन होगा आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना हमने अपनी डिटेल जो है छिपा दी है अब सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे ही उसके बाद आपके सामने नया जो है सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा फाइनल स्टेज के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा यहाँ पर लिखा है एनबीएसपी योर फ्रॉम पी रेफरेंस नंबर रेफरेंस आईडी जो आईडी मिलेगी यहाँ पर जो है आपको क्लिक करके स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाना है जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपना जो है आईडी डी डाल के जो है ट्रैक कर सकते हो कि आपका कहाँ पहुँचा है और कहाँ पर नहीं पहुँचा है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर करें तो आपको ट्रैक वाले ऑप्शन पर जाके एक बार हम ट्रैक करके दिखा रहे हैं पर ट्रैक ऑप्शन वाले स्टेटस पर चेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो ट्रैक वाले ऑप्शन पर डाला है तो हमारा ये सबमिट हुआ उसके बाद बिलो के पास जाएगा फील्ड वेरीफाइड होगा उसके बाद स्केप्ड या रिजेक्ट होगा उसके बाद जो है हमारा वोटर कार्ड बन जाएगा हमारे पास डाक द्वारा भी आ जाएगा ये और जो है हम अपना काम जो है कंप्लीट कर चुके हैं इस तरह से अप्लाई करोगे कि आप किसी का बना सकते हो आप घर के अपने घर घर का किसी भी सदस्य उसका भी बना सकते हो तो हमारे चैनल पर एजुकेशनल और टेक्निकल वीडियो मिल जाएंगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों हमारे करें हमारे चैनल पर आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो इस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं दोबारा एन बी एस डॉट इन पर आके यहां पर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपके पास आ जाएगा तो थैंक यू भाई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाय बाय